आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर है प्रयागराज से। देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेट्रोल पंप पर भी विशेष एहतियात बरता जा रहा है। प्रयागराज पेट्रोल पंप पर काम करने वाले नोजल मैन व कर्मियों के द्वारा आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नो मास्क नो फ्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहा है तो उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। यही नहीं, प्रयागराज के करैली इलाके की 60 फीट पेट्रोल टंकी पर पोस्टर लगाया गया है, बिना मास्क पेट्रोल नहीं मिलेगा। कोरोना से बचाव और संक्रमण को रोकने के लिए अब पेट्रोल पंप आगे आए हैं। जो भी व्यक्ति मास्क पहन कर नहीं आएगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना भी परिचित क्यों न हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे कई इलाके में पेट्रोल पंप संचालक भी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। इसके लिए क्षेत्रीय पुलिस ने भी बिना मास्क पेट्रोल न देने का को पेट्रोल टंकी से कहा है। ऐसे करेली में भी 60 फीट स्थित पेट्रोल टंकी के कर्मचारी मदन लाल केसरवानी ने बताया। उन्होंने कहा कि अब जो भी व्यक्ति पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के आएगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकथाम में समाज के हर लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। आइए दिखाते हैं प्रयागराज से खास रिपोर्ट। नगरी प्रयागराज में एक अनोखी पहल करी गई है। दिल्ली के बाद अब प्रयागराज में भी बिना मास्क के पेट्रोल नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रीय थानों ने पेट्रोल टंकी पर ऐसा जाकर भी उनसे कहा है और यहाँ पर पेट्रोल टंकी कर्मियों की भी कर्मचारियों की भी अच्छी पहल है, जो बिना मास्क के लोगों को पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आप लोग बिना मास्क के किस तरह से क्या आदेश है और किस तरह से पेट्रोल नहीं दे रहे हैं आप लोग। हम लोग बिना मास्क नहीं दे रहे पेट्रोल। तो ये आप लोग सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कर रहे हैं? जी हाँ। तो इसमें कोरोना से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे बिना मास्क के, उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा, बिना मास्क नहीं दिया जा रहा। तो क्या है इसकी? सर जो है एसओ साहब आए थे, उन्होंने आके बोले कि बगैर मास्क के तेल नहीं देना। क्या वजह और है सर? सुरक्षा के लिए जो है ये सब हम लोग जो है देखते हुए जो है कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मदन लाल केसरवानी सर। की पर अब बिना मास्क के पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्षेत्रीय जनता को ये जानना चाहिए कि पेट्रोल बिना मास्क के अब पेट्रोल टंकी पे नहीं मिलेगा। ऐसा हर क्षेत्र के थानों के एसओ ने और इंस्पेक्टर थाना इंचार्जों ने जाकर पेट्रोल टंकी पर कहा है। मगर पेट्रोल टंकी के कर्मचारियों का ये भी कहना है कि शासन से ऐसा कोई आदेश लिखित में नहीं आया है, सिर्फ थानों से ही आकर लोगों ने कहा है। और इसके बाद सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर किसी को बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो 60 फीट पेट्रोल टंकी हो चाहे बिजली घर पेट्रोल टंकी हो। जैसा कि प्रशासन ने तो कोई आदेश नहीं दिया, परंतु थाने वाइज ये कहा गया है कि बगैर मास्क के यहाँ पे पेट्रोल किसी को ना दिया जाए। इस संबंध में और जानकारी के लिए आइए यहाँ के पेट्रोल कर्मचारियों से पूछते हैं। क्या मास्क के बगैर कि मास्क के लगे पेट्रोल दिया जा रहा है? नहीं भैया, बिना मास्क के हम लोग पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। और जो है सरकार की जो गाइडलाइन है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना मास्क के हम लोग पेट्रोल नहीं दे रहे। जैसा कि अभी कर्मचारी ये सुभाष चौराहे पे पेट्रोल टंकी है, इन्होंने बताया कि बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हम लोग यहाँ पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे अभी कोई फैसला तो नहीं दिया, लेकिन थानों वाइज ये जानकारी दी जा रही है हर पेट्रोल टंकी को और ये लोग उसका पालन कर रहे हैं। अनवर खान, वर्ल्ड मीडिया टाइम, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जैसे कि हमने दिखाया कि 60 फीट पेट्रोल टंकी और हमारे सहयोगियों ने दिखाया कि बिजली घर पेट्रोल टंकी पे बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। और हम यहाँ भी बात करेंगे कि बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, उसका क्या कारण है और किस तरह से यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है गाड़ियों में? कि मास्क के बिना पेट्रोल इसलिए दिया जा रहा है कि ये प्रदूषण के लिए कीटाणु वायरस फैल रहा है। 1 मीटर दूरी से हम लोग पेट्रोल दे रहे हैं और जो जिसके पास मास्क नहीं उसको पेट्रोल हम लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये कोरोना को लेके आप लोग जो चल? हाँ, एक ये महामारी जो चल रही विश्व में, इसके जानकारी के उपलक्ष्य में सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग बिना मास्क पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है? मनोज त्रिपाठी। तो आपने देखा हमारे साथ मेहल पेट्रोल टंकी पर थे एक पेट्रोल कर्मी कर्मचारी, जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर सिविल डिफेंस के भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जो पेट्रोल आप लोग यहाँ खड़े हैं और बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है लोगों को,
इस जो एक सराहनीय कार्य भी कहा जा सकता है इसे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और किस दृष्टि से आप देखते हैं? ये जैसा कि आपको पता है, विगत 2 महीने से वैश्विक महामारी से जूझ रहा है पूरा विश्व, उसी में अब हमको लॉकडाउन के दौरान ही कुछ हमको अपने नियम बनाने होंगे और उसी नियम का पालन करके ही उससे वैश्विक महामारी से हम जीत सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी अभी कोरोना की जो है कोई दवाई नहीं आई, पूरे विश्व में इसके प्रति चल रहा है। तो इसमें मास्क सबसे अहम भूमिका में, क्योंकि अब कीटाणु धीरे धीरे से जो उसके जीवाणु हैं, ये भी अब डॉक्टर्स का कहना है कि ये आपके मुंह से जब बोलते हैं तो कुछ कीटाणु दूसरे तक पड़ते हैं, उनके कपड़ों पर पड़ेंगे, उनके चेहरे पर पड़ेंगे, तो जिससे जीवाणु फैलने का खतरा बढ़ता है। तो संक्रमण कम करने के लिए हमको जो है जहाँ भी पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो पेट्रोल लेने का हो, चाहे वो हमें अपने दवा की दुकान हो, चाहे वो किसी भी इनिशियल चीज़ की दुकानों पे, बिना मास्क के किसी भी जनता को निकलना नहीं चाहिए। इस काम के लिए सिविल डिफेंस लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है और हम लोग कटिबद्ध हैं कि सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही उसके तहत लोगों को पेट्रोल, जैसा कि हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो मास्क के बिना भी पेट्रोल नहीं दिया है, बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। मैं रविशंकर द्विवेदी, स्टाफ ऑफिसर सिविल डिफेंस प्रयागराज। तो आपने देखा कि हमारे साथ ये सिविल डिफेंस के थे कर्मचारी और यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल टंकी पे सबसे बड़ी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है और बिना मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जिससे कि हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं और एक दूसरे से कोरोना फैलने से रोका जा सकता है। मैं सैयद मोहम्मद आमिर, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब